अमेरिका को हिला दीजिए छठ मैया के गूंज से, बोलिए सूर्य भगवान की जय। दोस्तों, छठ पूजा एक बहुत ही खास त्यौहार है जो खास तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा करते हैं। ये पूजा पूरी तरह से छठी मैया के व्रत को समर्पित होती है। छठ पूजा कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षठी तिथि से शुरू होती है और पूरे देश में इसे बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा दोस्तों अब सिर्फ बिहार और वेस्टर्न यूपी तक सीमित बिल्कुल नहीं रह गई है, बल्कि देश के कई हिस्सों में भी इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। विदेशों में, खासकर अमेरिका में, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय भी इस त्योहार का हिस्सा बन चुके हैं। हाल ही में सैकड़ों भारतीय अमेरिकी लोग अमेरिका के कई हिस्सों में नदी किनारे और झीलों पर इकट्ठा हुए। वो ना सिर्फ लोक गीत गाते हैं बल्कि पूरे उत्साह के साथ व्रत भी रखते हैं। अमेरिका के कई स्टेट्स जैसे कि बैंटनविले, कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, टेक्सास और वाशिंगटन डीसी में इस त्योहार की धूम देखने को मिली। दोस्तों, छठ पूजा एक ऐसा खास त्योहार है जो हर हिंदू महिला के लिए खास होता है। इस दौरान 4 दिन का व्रत रखा जाता है। ये त्योहार भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी धूमधाम से अब मनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि विदेशों में इसे कौन मना रहा है और क्या वहाँ के रहने वाले लोग हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या सिर्फ इस त्योहार से प्रेम रखते हैं? क्या उनकी पूजा का तरीका भारत से अलग है और आखिरकार छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई थी? इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन वीडियो को देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। छठ पूजा या फिर छठ मैया से प्यार करने वाले लोग कमेंट सेक्शन में जय छठ मैया जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों, अब चलिए जानते हैं कि एक ऐसे देश के बारे में जिसने कभी भारत और अन्य देशों पर राज किया और अपनी हुकूमत भी कायम की थी। आप सोच रहे होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं, तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की। वो देश जिसने कभी भारतीयों पर अत्याचार किए थे, लेकिन आज वहाँ के लोग खुशी खुशी छठ पूजा मना रहे हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में लोग धूमधाम से छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें वे सभी हिंदू रीति रिवाजों का पालन करते हुए पूजा कर रहे हैं। जैसे भारत में व्रती अपनी टोकरी सिर पर लेकर चलते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी लोग इसे अपनाए हुए हैं और पकवान भी वही बनाए जा रहे हैं जो भारत में व्रती के लिए बनते हैं। हालांकि एक फर्क जरूर है, वो है पानी का। भारत में महिलाएं जब सूरज को जल अर्पण करने आती हैं, तो वे नदी या गंगा किनारे जाती हैं। लेकिन ब्रिटेन में छोटे छोटे पानी के पूल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ब्रिटेन में छठ पूजा का ये रूप सच में एक नया एक्सपीरियंस है और देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे भारतीय संस्कृति विदेशों में भी अपनी पकड़ बना रही है। दोस्तों, अब जो ये वीडियो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो में खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है जहाँ लोग नदी के किनारे खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ दे रहे हैं। ये दृश्य एक विदेशी देश का लग सकता है, लेकिन इसमें भारत की पूरी झलक साफ नजर आती है। अब हम आपको मिलवाते हैं फ्लोरिडा की रहने वाली क्रिस्टीन गेजो विश से, जो छठ पूजा का गीत गाती हुई नजर आ रही हैं, जो बिना किसी रुकावट के और बड़ी सादगी से गा रही हैं। खेलवा के पाथ पर वो गेलन सूरज माले झाके झूके। उनका ये गीत सुनकर लगता है कि वो इस भारतीय परंपरा को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाती हैं। क्रिस्टीन लगभग 14 वर्षों से उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत सीख रही हैं। ये देखकर लगता है कि भारतीय संस्कृति को पूरी श्रद्धा से अपनाया है। फिर एक और वीडियो में कुछ विदेशी लड़के लड़कियां भारतीय महिलाओं के साथ बैठकर उनके काम में मदद कर रही हैं। हालांकि ये वीडियो भारत का ही है जहां भारतीय महिलाएं इन्हें अपने गीत सुना रही हैं। ये वीडियो ये भी दर्शाता है कि अलग अलग संस्कृतियों, अलग अलग रीति रिवाजों, परंपराओं और जीवन शैली के होने के बावजूद एक साथ आकर काम करने से हम न केवल एक दूसरों के अनुभवों को समझ सकते हैं बल्कि एक दूसरे की सभ्यताओं को भी सम्मान दे सकते हैं। इस प्रकार के पल ये सिद्ध करते हैं कि भारतीयता केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि ये हर दिल में बसी हुई है, चाहे वो कहीं से भी हो। अब बात करते हैं कि छठ पूजा की शुरुआत आखिर कैसे हुई। ये पूजा सूर्य देवता और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होती है। इसके बारे में एक लोकप्रिय कथा है जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि पांडवों के वनवास के दौरान जब वे बहुत परेशान थे, तब उनके माता कुंती ने सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छठ पूजा की शुरुआत की थी। छठ पूजा के माध्यम से पांडवों ने सूर्यदेव से आशीर्वाद प्राप्त किया और फिर उनकी सभी मुश्किलें दूर हो गई। लोक कथाओं के मुताबिक
ये भी माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत रामायण काल में हुई थी, जब भगवान श्री राम और माता सीता अपने वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। इसके अलावा दोस्तों, एक और प्रचलित पौराणिक कथा भी है, जिसमें राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। इस चिंता में उन्होंने महर्षि कश्यप से मार्गदर्शन लिया, यानी कि उनसे पूछा। महर्षि कश्यप ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामिष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी। राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से यज्ञ किया और रानी ने यज्ञ का प्रसाद विशेष रूप से खीर खाया। इसके बाद रानी गर्भवती हुई, लेकिन कुछ समय बाद संतान का निधन हो गया, जिससे राजा और रानी बहुत दुखी हुए। इस गहरे दुख में राजा प्रियव्रत शमशान में आत्महत्या करने का सोचने लगे, लेकिन तभी छठी देवी प्रकट हुई। छठ देवी ने राजा से कहा कि यदि कोई पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनकी पूजा करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। राजा ने देवी की बातों को गंभीरता से लिया और पूरी श्रद्धा से छठ पूजा की। पूरी श्रद्धा और विश्वास से छठ देवी की पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत को एक संतान प्राप्त हुई। इस प्रकार छठ देवी की कृपा से राजा की सारी इच्छाएं पूरी हुई और उनका परिवार खुशहाल हो गया। सो प्यारे दोस्तों, इस कथा को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में जय छठ मैया जरूर लिखिए। दोस्तों, छठ पूजा को बड़े श्रद्धा और धैर्य के साथ मनाया जाता है और इसके चार दिनों के आयोजनों का हर दिन एक खास महत्व होता है। इस पूजा में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है और प्रत्येक दिन व्रती के लिए एक विशेष प्रकार की तपस्या और पूजा का अनुसरण किया जाता है। अब हम इन चार दिनों के महत्वपूर्ण आयोजनों को विस्तार से समझते हैं। पहला दिन, नहाए खाए। इस दिन की शुरुआत घर की सफाई और शरीर को पवित्र करने से होती है। नहाए खाए का अर्थ होता है नहाना और फिर भोजन करना। इस दिन व्रती सादा भोजन करती है, जिसमें आमतौर पर चना दाल, लौकी की सब्जी और रोटी होती है। ये खाना सरल और हल्का होता है ताकि व्रती को पूजा के बाकी दिनों के लिए शारीरिक रूप से सशक्त रखा जा सके। दूसरा दिन, खरना, जिसमें व्रती पूरे दिन उपवासी रहती है, यानी वो ना तो कुछ खाती है और ना ही पानी पीती है। शाम को व्रती गुड़ की खीर खाती है, जिसे विशेष रूप से इस दिन के लिए तैयार किया जाता है। इसके अलावा व्रती छठ देवी के लिए मिठाइयाँ भी तैयार करती है। ये मिठाइयाँ पूजा का हिस्सा होती है और इन्हें छठ देवी को अर्पित किया जाता है। इस दिन में शक्ति का संचार होता है क्योंकि अगले दो दिन के कठिन व्रत के लिए ये आत्म बल की आवश्यकता होती है। तीसरा दिन, संध्या अर्घ, यानी कि शाम का अर्घ। इस दिन व्रती पूरे दिन उपवासी रहती है, यानी बिना पानी के पूरी तपस्या करती है। शाम को व्रती नदी या तालाब के किनारे जाकर डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करती है। इस दौरान वे सूर्य देवता को धन्यवाद देती है और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करती है। अर्घ के साथ सूर्य देवता को जल में दूध, शहद, फल और फूल अर्पित किए जाते हैं, जो पूजा का हिस्सा होते हैं। इस दिन व्रती के घर का एक सदस्य भेंगी लेकर चलता है। भेंगी एक प्रकार की टोकरी होती है, जिसमें पूजा का सामान और प्रसाद रखा जाता है। ये टोकरी आमतौर पर सिर पर रखी जाती है और इसे व्रती के साथ पूजा स्थल तक लाया जाता है। चौथा दिन, उगते सूरज की पूजा। छठ पूजा का चौथा दिन विशेष रूप से उगते सूर्य की पूजा के लिए होता है। ये दिन सूर्य देवता की उपासना का दिन है, जिसमें व्रती और उनके परिवार के सदस्य सूर्य देवता के सामने खड़े होकर उनका आभार व्यक्त करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सूर्य उदय के समय व्रती और अन्य लोग नदियां तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठ माता के गीत गाते हुए सूर्य उदय का स्वागत करते हैं। वे सूरज देवता को अर्पित करने के लिए पूजा करते हैं। इस समय वे सूर्य देवता से जीवन में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करते हैं। सूर्य उदय के बाद व्रती अपना व्रत तोड़ती है, जिसमें वे प्रसाद और कच्चे दूध का सेवन करती है। कच्चा दूध शुद्धता का प्रतीक होता है और व्रती इसे पीकर अपने व्रत को समाप्त करती है। दोस्तों, छठ पूजा के ये चार दिन बहुत कठिन तपस्या, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। हर दिन का अपना एक महत्व है, जो व्रती के धैर्य, संयम और आस्था को दर्शाता है। ये पूजा न केवल सूर्य देवता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए होती है, बल्कि छठ देवी की कृपा और आशीर्वाद के लिए भी होती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि तमाम नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मुलाकात होगी जल्दी आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद।